हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी 2.0 पर। तो बच्चे लोग जल्दी से बता दो कैसे हो आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, टाइम एंड वर्क का बेटा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लास में तो आपको भरपूर आनंद आएगा। मतलब बहुत ही गजब लेवल के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है? तो जल्दी जल्दी सभी लोग क्या करो बच्चे, वीडियो को एक बार शेयर कर दो, ठीक है? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है स्टूडेंट्स? प्लीज 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से बच्चों शेयर कर दो। एक बात और बता दूं आप लोगों को, क्या कि बच्चा आपकी क्लासेस आज 29 है, कल है 30, परसों से आपकी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो बस आज और कल और थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो बस, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट भाई। अगर बात करी जाए, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क की 3 सेशन कर चुके हैं, उसके आगे का सेशन आपके सामने ये है बच्चा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है बच्चे, बहुत ही लाजवाब है, ठीक है? पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कार्य शुरू होने के बाद 15 दिन यह पत 15 कार्य शुरू होने के 15 दिन बाद यह पता लगता है कि कार्य का 25% ही हो पाया है। कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दो क्या हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से सभी लोग बेटा कमेंट करके आंसर बता दो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप? देखो पॉइंट की अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन में 25%, 25% का मतलब क्या हो गया आपका, 25% का मतलब हो गया बेटा आपका 1/4। टोटल काम 4 था, एक कंप्लीट हुआ है कितने दिनों में? भाई देखो 20 आदमी यानी कि 20 मैन किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। देखो 30 दिनों में करने का ठेका उन्होंने लिया था, लेकिन 15 दिन बाद यह पता चलता है कि केवल 25% ही काम हो पाया है, यानी कि 4 में से सिर्फ एक काम हो पाया था। कितना काम अभी और बचा है बेटा? 3 काम बचा है। कितने दिनों में कंप्लीट कराना है? कह रहा है कार्य को समय पर कंप्लीट कराना है, तो कितना काम बचा है बेटा? 3 काम बचा है। समय पर मतलब 30 में से 15 दिन काम हो गया, तो 15 दिन काम और बचा है, इनटू आपका क्वेश्चन मार्क। बच्चा सॉल्व करते हैं, 15 से आपका 15 कट गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई आपकी 20 60 मैन, ठीक है? अब क्वेश्चन में एक चीज आई, करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी? तो 20 आदमी तो बेटा आपके पास पहले से थे, माइनस कर दो यानी कि 40 आदमी आपको और लगाने पड़ेंगे। दिस इज योर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर हुई बच्चा? सभी लोग कमेंट करके बताओ बच्चा बात क्लियर हो गई, आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 40 आदमी। बेहतरीन सवाल है, इसके बाद वाला सवाल इससे भी ज्यादा बेहतरीन है। सभी लोग इसका कमेंट करके आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या कह रहा है, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार एक भवन निर्माण करने के लिए 100 मजदूर 40 दिन पर काम पर रखता है, ठीक है? 35 दिन बाद वह 100 अतिरिक्त मजदूर काम पर लगा देता है, अच्छी बात है। इस प्रकार कार्य समय पर पूरा हो जाता है, अगर वह ऐसा ना करता तो कार्य कितने दिन लेट होता? आपसे ये कह रहा है कितने दिन का देरी से कार्य होता? जल्दी से बेटा सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है? क्विक, जल्दी जल्दी बताइए भाई क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है? तुरंत स्पीड में थोड़ा, ठीक है? थोड़ा स्पीड में भाई, थोड़ा सा स्पीड में बताइए। बिल्कुल
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार एक भवन निर्माण के लिए 100 मजदूर 40 दिन के लिए काम पर रखता है, 35 दिन बाद 100 मजदूर और काम पर लगा देता है जिससे कार्य समय पर कंप्लीट हो जाता। बात समझिएगा ठीक है, कार्य समय पर कंप्लीट हो जाता ठीक है। अब कह रहा है कि यदि ऐसा ना होता तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होता, आपसे ये कह रहा है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा भाई। तो देखो सीधा सा कंसेप्ट मैं बताता हूं भाई, 40 दिन में करने का ठेका लिया था ठीक है, 35 दिन बाद यानी कि 5 दिन, 5 दिन कितने मजदूरों ने काम किया बेटा, 200 मजदूरों ने। 200 मजदूर जितना काम 5 दिन में करते हैं ठीक है, जितना काम 5 दिन में करते हैं वही 100 मजदूर कितने दिनों में कर लेंगे, बस आप ये निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा। एक सिंगल लाइन में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, समझे बेटा। 00 से आपका 00 कट गया, 50 दूनी 100 हो गया, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया बेटा, 100 हो गया, सॉरी 5 दूनी 10 हो गया बेटा, कितना हो गया आपका, 10 हो गया। बात आ गई समझ में, यानी कि उसको 10 दिन लगते काम करने में। तो अब कह रहा है कितने दिन अतिरिक्त लगते भाई, 5 दिन तो 35, 5 दिन तो बचे हुए थे, यानी कि अब 35 10 45 हो जाएंगे, टोटल दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 दिन हो जाएंगे। तो बेटा कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। सभी लोग बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, बेहतरीन सवाल है, मज़ा आ गया होगा। अगर मज़ा आया है तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई, सभी लोग क्या कर दो बच्चा, एक बार वीडियो को शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं दूंगा और बेहतरीन होगा ठीक है, लेकिन यार क्वेश्चन अगर बेहतरीन है तो जल्दी जल्दी यार शेयर करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा, आपके पास पूरा का पूरा 1 मिनट है भाई, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा ठीक है। जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए भाई, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ देते हैं, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि दो व्यक्तियों को एक कार्य 4800 रुपये में करने का जिम्मा लिया गया ठीक है। पहला व्यक्ति काम को अकेले 5 दिनों में और दूसरा अकेले 8 दिनों में कर सकता है। यदि लड़का तथा लड़की की सहायता से वे 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि लड़की द्वारा किए गए कार्य से लड़के का कार्य दोगुना हो तो कुल मजदूरी में से लड़के का हिस्सा बताइए। जल्दी से सभी लोग बेटा बता दो क्या हो जाएगा आंसर ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा सभी लोग आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। समझिएगा कि पहला व्यक्ति काम को कितने दिनों में कर रहा है बेटा, 5 दिनों में, दूसरा कर रहा है 8 दिनों में, एक लड़का तथा एक लड़की की सहायता से वे इसे 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं बेटा। अब आंसर बताओ सभी लोग थोड़ा ध्यान से हैं। नहीं समझ में आ रहा, अभी किसी के आंसर नहीं आ रहा, देखो बेटा अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, देख लीजिए एक बार ठीक है, देख लीजिए सभी लोग ठीक, क्या हो जाएगा आपका अगर मैं बात करूं। कि भाई 4800 रुपये में करने का ठेका लिया, बहुत अच्छी बात है 4800 रुपये में ठेका लिया तो, लेकिन कह रहा है पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति उस काम को अकेले कितने दिनों में कर लेता है बेटा, 5 दिनों में ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति जो है अकेले कितने दिनों में कर लेता है बेटा, 8 दिनों में। बात क्लियर है,
लड़का तथा लड़की की सहायता से, यानी कि पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति प्लस लड़का और लड़की, यानी कि मेल और फीमेल दोनों चीज़ लिख दो, कि सहायता से काम कंप्लीट हुआ बेटा आपका कितने दिनों में, 3 दिनों में। जब मैं इनका एलसीएम ले लूँगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 58 40 नहीं 120, बात क्लियर है, 120 हो गया। ये हो गया बेटा आपका 24, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 40। बताइए बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है सभी को। अब देखो क्या कह रहा है कि एक लड़का था एक लड़की की सहायता से, अच्छी बात है, यदि लड़की लड़ द्वारा किए गए कार्य से लड़के का कार्य दोगुना हो, यानी कि बेटा अगर हम बात करें तो पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति प्लस का लड़का प्लस का लड़की मिलकर 40 काम करते हैं, ठीक है, कितना काम करते हैं बेटा 40 काम करते हैं, 24 ये हो गया, 15 आपका ये हो गया, 24 5 29, 29 10 39, यानी कि इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया बेटा 39 काम कर लिया, ठीक है, मेल प्लस फीमेल ने मिलाकर कितना काम किया होगा, एक काम किया होगा। बताइए इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में बच्चा, सभी लोग कमेंट करके बता दो कि इतनी बात सभी को आ गई कि नहीं आ गई समझ में, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो क्वेश्चन की बात करते हैं भाई हम लोग कि टोटल आपका जो काम था वो कितना था, टोटल काम जो कर रहे हैं ये चारों मिलकर, ये 40 काम कर रहे हैं, कितना रुपया उनको मिल रहा है 4800, तो 40 की वैल्यू बेटा हो गई आपकी 4800, तो एक की वैल्यू हो गई आपकी 12 × 48 यानी कि आपकी 120 रुपये, कितनी हो गई बेटा आपकी 120 रुपये हो गई। अब कह रहा है फिर से देखिएगा, अब कह रहा है यहां पर कि यदि लड़की द्वारा किए गए कार्य से लड़के का कार्य दोगुना हो, अगर बेटा कार्य दोगुना है तो उसको पैसे भी दोगुना मिलते होंगे, यानी कि मेल और फीमेल, अगर मेल को 2 मिलते हैं तो लड़की को 1 मिलता है, तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी कि लड़के को मिलेंगे 80 रुपये और लड़की को मिलेंगे 40 रुपये। क्वेश्चन में क्या कहा गया, लड़के का हिस्सा बताना है बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 80 रुपये इज योर राइट आंसर, 80 रुपीज बेटा क्या होगा आपका, बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, सभी लोग प्लीज कमेंट करके बता दो बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि आज की क्लास में ना आपको मजा आएगा दोस्त, मजा आएगा, भरपूर आनंद की प्राप्ति होगी, भरपूर सुख मिलेगा आपको। अब एक बार रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, समझ लीजिएगा सभी लोग। एक आदमी करता है 5 में, दूसरा आदमी करता है 8 में, आदमी प्लस दूसरा आदमी प्लस लड़का प्लस लड़की मिलकर करते हैं 3 दिनों में। एलसीएम लिया बेटा 120 हो गया, ये हो गया 24 आपका, ये हो गया 15 और ये हो गया बेटा आपका 40, बात क्लियर है सभी को। अगर इतनी बात क्लियर है दोस्त तो अब आपका आगे क्या हो जाएगा, तो देखिए सारे मिलकर लड़का लड़की और वो दोनों व्यक्ति मिलकर कितना काम कर रहे हैं आपका 40 काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको 4800 रुपये मिलेंगे, अगर तो 4800 रुपये अगर मिलेंगे तो 40 की वैल्यू बेटा हो गई 48। हमने यहाँ सर मेल और फीमेल यानी कि लड़का और लड़की द्वारा किया गया कार्य एक निकाला है, तो उनको कितना रुपया मिलेगा, 120 रुपया मिलेगा उन दोनों को मिलाकर। ठीक है, उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उनका रेशियो आपको दिया गया है कि लड़की द्वारा किए गए कार्य से लड़के का कार्य दोगुना हो, तो दोगुना कर दिया भाई, ये हो गया दोगुना, ठीक है, ये हो गया सिंगल गुना। तो 120 को आप 2:1 में बांटोगे तो आपका 80 और 40 आएगा, लड़के का पूछा गया है तो आपका 80 आपका सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और प्लीज जल्दी से सभी लोग शेयर करो। जल्दी से बेटा सभी लोग शेयर करो वीडियो को, ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर करो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, दोनों कार्य समाप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं,
यदि उनको कुल कार्य करने के लिए 440 रुपए मिले हो तो इसमें ए का भाग कितना होगा? बेटा सभी लोग जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ, ठीक है, बिना किसी कंजूसी के, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। देखो कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 20 डेज में कंप्लीट करता है। इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ भाई, 20 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। कह रहा है दोनों कार्य समाप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहा है यदि उनको कुल कार्य 440 रुपए मिले हो तो उसमें ए का भाग कितना होगा? भाई दोनों साथ काम कर रहे हैं, ठीक, तो इनको इसी रेशियो में इनका पैसा बटेगा कि नहीं बटेगा? तो 2 1 3, 1 मिनट रुकना जरा बेटा, ओ सॉरी, ये 12 लिखा हुआ है ना बेटा, 12 लिखा हुआ है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, ये हो जाएगा बेटा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 5, बात क्लियर है, ठीक है। 12 5 60, 10 6 60, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि यदि उनको कुल कार्य करने के लिए 440 रुपए मिले हो, ठीक है, दोनों को साथ काम करना है, तो अब बेटा देखो, तो 6 5 11, 11 की वैल्यू बेटा आपको दी गई है 440, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40, पूछा गया ए का हिस्सा यानी कि 6 का हिस्सा, तो 6 बराबर 6 चौको 24 यानी कि 240 इज योर राइट आंसर बच्चे, 240 इज योर राइट आंसर, 240 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम ए 3 दिन में करता है। यदि बी और ए और बी को काम करने के लिए 6600 रुपये मिलते हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, आपसे ये कहा गया है, सभी लोग बेटा कमेंट करके आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझते हैं, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, भाई ए हो गया प्लस बी किसी काम को बच्चा 12 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर, अच्छा 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई, ए कर सकता है 12 में, बी कर सकता है 15 में, 60 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 4। अब कह रहा है कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम ए 3 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो कह रहा है यदि ए और बी को काम करने के लिए 6600 रुपये मिलते हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करो, बेटा आपसे ये कहा गया है, तो एक बात समझिएगा, उन दोनों ने क्या किया है, साथ काम शुरू तो किया है लेकिन साथ काम कंप्लीट नहीं किया है, साथ काम कंप्लीट नहीं किया है, तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि उन लोगों ने कितना काम किया है कितना काम नहीं किया है, ठीक है। तो देखो बेटा शेष काम ए ने 3 दिन में किया यानी कि ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का बेटा 3 दिन का काम हो जाएगा 15 काम, तो बचा कितना, 45 काम, कितना काम बचा बेटा, 45 काम बचा, तो 45 काम जब बचा तो इन दोनों ने मिलकर किया होगा यानी कि डिवाइड बाई 9, तो बराबर 5, 5 दिन इन दोनों ने क्या किया है, मिलकर काम किया है बेटा, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, 5 दिन मिलकर काम किया है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि बताइए ए और बी को काम के लिए 6600 रुपये मिले हो, कितने रुपए मिले हो बेटा, 6600 रुपये मिले हो, तो उनका कितना काम किया गया है, पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए टोटल काम बेटा है 6600, मतलब 60 है
तो 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6600 रुपये, ठीक है। जीरो से आपका जीरो चला गया, एक की वैल्यू आ गई बेटा 110 रुपया। मतलब एक काम के बदले उसको कितने रुपए मिलते हैं, 110 रुपए मिलते हैं, ठीक। तो उसने कितने दिन काम किया है बी ने, बी ने 4 की स्पीड से 5 दिन काम किया, यानी कि 20 काम किया है बी ने। तो बी को कितने रुपए मिलने चाहिए, 11 दुनी 22, यानी कि 220 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। 220 इज योर राइट आंसर। आशा है ये टाइप का पहला क्वेश्चन आपने आज किया होगा, है ना। उम्मीद है कि आप लोग मेरी उम्मीद पर खरे उतरोगे कि ये आपका इस टाइप का पहला क्वेश्चन होगा बेटा आज का। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी को मज़ा आ रहा है कि नहीं बच्चा सीखने में, सभी लोग कमेंट करके बता दो बेटा मज़ा आ रहा है कि नहीं सीखने में। हाँ ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं बेटा, आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है ए बी तथा सी मिलकर 10 दिन में 1500 रुपये कमाते हैं, ए और सी मिलकर 8 दिन में 800 रुपये कमाते हैं, बी तथा सी मिलकर 9 दिन में 900 रुपये कमाते हैं। बेटा आपसे ये कहा गया है, तो ए कितना रुपया कमाता है आपसे पूछा गया, गजब लेवल सवाल है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सभी लोग बेटा कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बता दीजिए बेटा सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया था बेटा, 20 से जब गुणा किया ना तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ेगा आपका, ठीक है। 2200 रुपये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2200 रुपये आपका आंसर आएगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में क्लिक नहीं हुआ उस समय इस क्वेश्चन का, जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा। देखिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है बेटा, अगर हम बात करें तो कह रहा है देखिए, ए बी और सी मिलकर 10 दिन में 1500 रुपये कमाते हैं। तो अगर मैं एक बात कहूँ, ए बी और सी मिलकर 1500 रुपये कमाते हैं 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 150 रुपये कमाएंगे। ए प्लस सी ये 8 दिन में 800 रुपये, यानी कि एक दिन में बेटा 100 रुपये कमाते हैं। तो ए प्लस सी एक दिन में अगर 100 रुपये कमाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि बी एक दिन में कितना रुपया कमाता है, 50 रुपये कमाता है। बात क्लियर हो गई, ये हो गई आपकी पहली क्वेश्चन। अब आ जाओ, तो कह रहा है बी तथा सी मिलकर 9 दिन में 900 रुपये कमाते हैं। बी तथा सी मिलकर 9 दिन में 900, यानी कि एक चीज और निकल कर आ गई, बी तथा सी भी प्रतिदिन आपके 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है। बी तथा सी भी प्रतिदिन आपके कितने रुपये कमाते हैं बेटा, 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो बी तथा सी का भी निकल आया तो हमारा ए का भी निकल आएगा। ए कितना रुपया कमाता है बेटा आपका, ए 50 रुपये कमाता है। बताइए बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, बताओ एक बार फिर से समझिएगा भाई। ए प्लस बी प्लस सी का हमने यहाँ पर निकाल लिया, किसका निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लिया। एक दिन में 150 रुपये कमाते हैं, बी तथा सी मिलकर 9 दिन में 900 रुपये कमाते हैं, यानी कि बेटा एक दिन में आपका 100 रुपये कमाएंगे। बात क्लियर है, तो एक दिन में जब 100 रुपये कमाएंगे तो बी प्लस सी का हटा दो एक दिन का 100 रुपया, तो ए का एक दिन का कोई इतना रुपया बना, 50 रुपया बन गया कि नहीं बन गया,
बस यही बेटा आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग बताइए क्लियर हो गई कि नहीं होगी बात। अगर बेटा क्लियर हो गई तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। शानदार प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। जल्दी से बताइए। कह रहा है 6 पुरुष और 5 बालक 5 दिन में 1400 रुपये कमाते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक, अब कह रहा है आगे कि 8 पुरुष और 7 बालक 8 दिनों में 3040 रुपये कमाते हैं। 4 पुरुष और 3 बालक कितने दिनों में 720 रुपये कमाएंगे। बेटा जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, और सभी लोग ज्वाइन कर लो मैथ्स भाई मयंक सर, अगर आपको इतने शानदार प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आंसर इसका। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका ये। तो अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो देखिएगा, कह रहा है 6 पुरुष और 5 बालक, 6 पुरुष प्लस 5 बालक 5 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं। बेटा 1400 रुपए कमाते हैं। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एक दिन में कितना रुपया कमा रहे हैं, तो बेटा एक दिन में कितना रुपया कमा रहे हैं आपकी यहां से निकल कर आ जाएगा। देखिए 6 पुरुष प्लस 5 बालक एक दिन में कमा रहे हैं। देखिए 5 दुनी 10 हो गया आपका, बचा 40 बनोटे 40, 280 रुपये। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ कि 8 पुरुष 7 बालक कितना रुपया कमा रहे हैं। 3040 कमा रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे देखते हैं हम लोग भाग देकर। भाई 8 3 24 हो गया आपका, बचा कितना 6 बचा, तो 8 64 ये हो गया 0 आपका। बात क्लियर होगी बेटा, बात क्लियर होगी। अब आप क्या करो, ये आपकी समीकरण 1 है, ये आपकी है बेटा समीकरण 2, आपस में दोनों को घटा दो। तो दोनों को घटा रहे हैं हम लोग, यहाँ से देखिएगा एक चीज़, माइनस माइनस। ठीक, तो क्या निकल कर आ रहा है देखिए, 2 पुरुष प्लस 2 बालक कमाते हैं 100 रुपये। तो 1 पुरुष प्लस 1 बालक कितना कमाएगा बेटा आपका, वो 50 रुपये कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे बताओ। 1 पुरुष प्लस 1 बालक मिलकर कितना रुपया कमाएंगे, 50 रुपये कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे बेटा। अब आपसे कहा गया कि 4 पुरुष और 3 बालक कितने रुपये कमा, 720 रुपये कितने दिनों में कमाएंगे बेटा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके अब इसका आंसर बता दीजिए, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। कहीं पर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। जल्दी से बताओ भाई, छः पुरुष पांच बालक, 8 पुरुष 7 बालक। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 पुरुष प्लस 1 बालक मिलकर बेटा 50 रुपये कमाते हैं आपका। जल्दी से आंसर बताइए, इतना मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, एक बार बस मैं ये देख लूँ क्वेश्चन सही है पूरा। चलिए जी, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ठीक,
क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। देखो अब चार पुरुष और तीन बालक हैं बेटा, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी रिलेशन नहीं पता, हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालेंगे। तो हमने तीन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चला तीन पुरुष प्लस तीन बालक मिलकर 150 रुपया कमाएंगे एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कमाएंगे 15 चको 60 होता है कि नहीं बेटा आपका, यानी कि 4 दिन में ये लोग कितना रुपया कमा लेंगे बेटा, 4 दिन में ये लोग 600 रुपया कमा लेंगे कि नहीं कमा लेंगे, बताइए जरा, बात क्लियर हो रही? 4 दिन में 600 रुपया कमा लेंगे कि नहीं कमा लेंगे बेटा? हाँ ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर 5 से बेटा मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कर दूं 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 750 रुपये हो जाएगा, 750 रुपये। तो ये 720 से ज्यादा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, 720 से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, 720 से ज्यादा जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार चेक करोगे तो ऑप्शन से, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 दिन में ही ये लोग 720 रुपया कमाएंगे। अब ये कैसे फाइंड हुआ ये भी देख लो कि भाई 120 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, एक आदमी भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। अभी देखना कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होती है बेटा, एक आदमी भी बढ़ रहा है आपका कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। ठीक है, तो 4 दिनों के लिए बेटा जब बढ़ रहा है तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, यानी कि 30, यानी कि कितना हो गया, 30 हो गया बेटा। ठीक है, यानी कि एक आदमी कितना रुपया कमाता है, 30 रुपया कमाता है। अब यहां पर रख के देख लो आप चाहे, एक आदमी 30 रुपया कमाता है और बालक जो है वो 20 रुपया कमाता है बेटा। जब मैंने 30 का 4 से गुणा करूंगा मैं, तो आपका कितना आएगा, तो 30 चक्को कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 20 चक्को 80, यानी कि बेटा कितना निकल कर आ गया आपका, 200 रुपया, कितना निकल कर आ गया, 200 रुपया निकल कर आ गया। बताइए बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, बताइए, तो एक बार फिर से समझा देते हैं, समझिएगा यहां से यहां तक। ठीक है, बस ये वाली बात आप लोग समझ लो क्या, कि 120 बटे जब हम लोगों ने 4 किया तो कितना निकल कर आया आपका, 3 दिन निकल कर आया, कितना निकल कर आया बेटा, 3 दिन निकल कर आया, समझिएगा बिल्कुल इत्मीनान से। तो इसका मतलब सॉरी 30 रुपया निकल कर आया, तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, एक पुरुष 30 रुपया कमाता है, एक बालक आपका 20 रुपया कमाता है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक, तो जब तीन पुरुष हो गए, तीन पुरुष प्लस तीन बालक, सॉरी 4 पुरुष प्लस 3 बालक हो गए। ठीक है, तो बेटा देखो एक पुरुष का कितना रुपया, 30 है, तो 4 पुरुषों का कितना हो गया, 120 हो गया, और ये 20 है आपका, तो 20 तीन लोगों का कितना हो गया, 60 हो गया। तो यानी कि देखिए 120 प्लस 60 कितना हो रहा है बेटा आपका, 180 रुपये हो रहा है एक दिन का, एक दिन का आपका 180 रुपये हो रहा है। जब मैंने इसमें 4 से गुणा किया तो आपका कितना हो गया, 720 हो गया, इसमें भी मैं 4 से गुणा करूंगा, यानी कि 4 दिन में कितना रुपया कमा रहे हैं बेटा, 720 रुपया कमा रहे हैं। अब बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, मैंने पहले ही कहा था यार क्वेश्चन अच्छे हैं तो थोड़ा सा सॉल्यूशन तो उल्टा होगा ही होगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो, थोड़ा सा अलग सवाल है बच्चा, अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बता दीजिए, थोड़ा सा अलग सवाल है भाई। और अगर सवाल का लेवल अच्छा लग रहा हो, चीजें अच्छी लग रही हो, तो प्लीज सभी लोग एक बार वीडियो को बच्चा शेयर जरूर करो। ठीक है, कह रहा है ए बी व सी किसी कार्य को करने में 480 रुपए का ठेका लेते हैं, 480 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए तथा बी मिलकर कुल कार्य का 1/4 भाग करते हैं तथा शेष कार्य सी अकेले करता है, सी को कितना हिस्सा मिलेगा, जल्दी से बताइएगा प्लीज कमेंट करके। अगर मैं बात करूँ, देखिएगा, ए बी तथा सी किसी कार्य को 480 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य का 1 भाग करते हैं और सी जो है शेष काम यानी कि 3 भाग करता है। बात आगे समझ में भाई, 1/4 है, यानी कि 4 क्या हो गया आपका, टोटल हो गया। ये कौन कर रहा है आपका, ए प्लस बी कर रहे हैं, तो भाई बचा हुआ काम कितना, 3 काम है, वो कौन करेगा, सी करेगा। भाई जो जितना काम करेगा उसको इतना ही तो पैसा मिलेगा, फ्री में तो देंगे नहीं हम लोग। तो 3×4 की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 480, 1 की वैल्यू हो गई आपकी 120। तो आपसे पूछा गया सी को कितना हिस्सा मिलेगा, सी को मिलेंगे 360 रुपये। बताइए मुद्दा क्लियर हो गया कि नहीं बच्चा, मुद्दा क्लियर हो गया कि नहीं सभी को, ठीक है, मुद्दा क्लियर हो गया कि नहीं। अगर हो गया बेटा तो ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा प्रश्न। ठीक है, आप एक बार ट्राई करिएगा और अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, बता दीजिएगा सर नहीं आया।
बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आप जितने भी लोग देख रहे हो सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा, सभी का आंसर मुझे कहाँ चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो मैं आप सभी से बताए दे रहा हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से सभी लोग वीडियो को शेयर करना और बिल्कुल ईमानदारी से सभी लोग इस खतरनाक से क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। और प्लीज सभी लोग जाने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी साथी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बस एक दो दिन में आपकी क्लासेस यानी कि 1 तारीख से प्रोबेबली आपकी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएगी बच्चा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जाने से पहले प्लीज सभी लोग शेयर करिएगा। और हाँ, अनअकैडमी पर मेरी क्लास चल रही है, स्पेशल क्लास भी चल रही है और मेरा पेड लेक्चर भी चल रहा है, तो आज ही सब लोग परचेज कर सकते हैं उसको कूपन कोड अप्लाई करके। मेरा कूपन कोड क्या है बेटा, मेरा कूपन कोड है शुक्ला YT, SHUKLAYT, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा बेटा 10% का हैवी डिस्काउंट, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा सभी। जय माता की, भारत माता की जय। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।